बैटरी एजिंग मशीन है। बैटरी एजिंग मशीन किस तरह काम करता है उसके बारे में अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो हम चलते हैं डायरेक्ट मशीन के पास। 20 एम्पियर 100 वोल्ट का इसका स्पेसिफिकेशन है। एक मशीन में 4 सेल अवेलेबल है, इसको हम पोर्टेबल मशीन भी बोलते हैं कि किसी भी टेबल पे या कहीं पर उठा के आप आराम से इसको रख के और वहाँ पे आप बैटरी चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। अभी यह न्यू प्लांट सेटअप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इतना भी रैक बना नहीं है। और ये भी रैक अभी बनेंगे तो और अच्छा लगेगा इसका रैक जो बनेगा। ये 20 एम्पियर का मशीन है, ये दूसरा 2 लेवल का 50 एम्पियर 100 वोल्ट की मशीन है, ये है 20 एम्पियर 100 वोल्ट का 4 लेवल का। ये चार लेवल घोषणा फिर चार्ज में, इस तीनों मशीनों को हम एक सिस्टम से कनेक्ट कर रखते हैं। हमारे पास ये राउटर भी अवेलेबल है, इस राउटर के थ्रू हमने सबको कनेक्ट कर रखे हैं। ये तीनों मशीन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रखे हैं और लास्ट में हमारा कम्युनिकेट हो रहा है सिस्टम से। हम चलते हैं सिस्टम के पास, ये मशीन किस तरह वर्क करता है उसके बारे में हम जानते हैं। आइए, इसका हमने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ये TG करके है सॉफ्टवेयर, ठीक है। TG इसको ओपन करते हैं, जैसे ओपन करेंगे हम इस तरह का एक आइकन आएगा और थोड़ी देर के बाद एक कनेक्टेड का ऑप्शन आ जाता है। इसका मतलब मशीन जो है सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, सब कनेक्टेड आ जाएगा जितने चैनल हैं। अभी हमने यहाँ पे 4, 6 और 10 पूरा 10 चैनल होंगे, बट यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 चैनल शो कर रहा है। तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए 10 चैनल के लिए सेलेक्ट डिवाइस पर जाएंगे, जो रेड जो है ये सब मशीन ही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 37, 38, 39, ये सब मशीन है ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। ये सब मशीन है, 37, 38 हो गया, इसका 9 हो गया, ये 9, 10 एक रह गया है। कि अभी यहाँ पे कोई भी सिस्टम डिस्प्ले नहीं कह रहा है, इससे दिक्कत आ रही थी। अब हम क्या स्टार्टिंग से सब 10 चैनल को लाएंगे, तो सिलेक्ट डिवाइस पे जाएंगे, ये जो रेड करके हो रखा है सब पे मशीन है। तो 9, 10 इसके बाद ये और ये मशीनें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 चैनल जो है, देखिए 10 चैनल 5 नीचे 5 ऊपर 10 चैनल यहाँ पे शो हो रहा है 10 मशीनें का। मैंने 9 और 10 जो है, 9 और 10 हमारे 50 एम्पियर का है, इसको हम एक अलग ग्रुप बना लेंगे, मतलब अलग एक ग्रुप बना के, इसी ग्रुप डिवाइड है ग्रुप में बदल देंगे 50 एम्पियर का है। तो ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ठीक है, ये ग्रुप का एक ऑप्शन यहाँ पे है, ऐड ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। ऐड ग्रुप में जाने के लिए सबसे पहले इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तब हम एक अच्छी तरह से ग्रुप बनेंगे। फिर से एक उसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव इस तरह किया जाता है, जैसे हम इसको बताएंगे ये सब हट गया, ये रह गया है तो इसको बैठा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ये ग्रुप बना देंगे, ये ग्रुप है, रिनेम कर देते हैं इसको, हम इसको देते हैं 50 एम्पियर 100 वोल्ट और 50 एम्पियर, ठीक है, ओके कर देते हैं। ये 50 100 वोल्ट 50 एम्पियर, इसमें 2 मशीन है, ठीक है, 9 और 10 मैंने कर दिया, ठीक है, 9 10 आ गए। अब 9 10 इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, 50 एम्पियर 100 का एक अलग, क्योंकि अलग अलग हमें ग्रुप में बनेगा, तो हम एक इसमें अलग मशीन डाल सकते हैं बैटरी पैक, इसमें अलग बैटरी पैक, ऐसे में क्या होगा, एक ही टाइप के दो बैटरी पैक सेम डालना पड़ेगा। तो हम इसको हम क्या करें, अलग कर देंगे ताकि हम इसमें 48 वोल्ट डालें, इसमें 7 वोल्ट का डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सेम है तो इकट्ठा बैटरी करके एक ही प्रोग्राम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो बाद में बताऊँगा। इसको हम क्या करते हैं, अभी अलग करते हैं। अलग करने के लिए एक और हम ग्रुप बना लेते हैं 85 एम्पियर का, आप लिखते हैं 50 एम्पियर 100 वोल्ट, ठीक है, बीबी करके दोबारा दे दिया, इसके मतलब 2 ग्रुप है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 9 है, यहाँ पे 1 हटा देते हैं, यहाँ से 1 हटा देते हैं, 9 को हटा देते हैं और इसमें डाल देते हैं, इस वाले में 9 डाल देते हैं, ठीक है। तो 9 आ गया, 10 आ गया, 50 एम्पियर 50 एम्पियर दोनों 50 एम्पियर का हो गया। अब हमारे पास 4 चार 8 चला और है 20 एम्पियर 100 वोल्ट का, तो 20 एम्पियर 100 वोल्ट का अभी मैं एक ही ग्रुप बना देता हूँ, इसका ग्रुप में जाके ऐड ग्रुप में यहाँ पे जाके 20 एम्पियर 100 वोल्ट, ठीक है, इसमें डाल चला गया, ये एक अलग ग्रुप बन गया, ठीक है। इस ग्रुप में सारा मशीन हम डाल देते हैं, 9 2 7 का लाल लाल जो हो चुका है, इसमें मतलब हो गया ये ये 8 इसमें आ गया। अगर आपको अलग अलग करना, अलग अलग बैटरी करना, तो यहाँ पे ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप बना के उसको अलग अलग कर सकते हैं और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैटरी पैक इसमें डाल के और इसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से ग्रुप बनेगा इसमें कि अलग अलग कैसे हम चैनल लाना है। अगर आपके पास ऑनलाइन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये लैंडलाइन के थ्रू कनेक्शन होता है, लैंडलाइन के कनेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आईपी एड्रेस डलता है, ये आईपी एड्रेस कभी कभी चेंज कर देते हैं। यहाँ चेंज एडाप्टर में जाइए और यहाँ पे लैन कनेक्टेड है, इसका मतलब मशीन कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे कट मार्क निशान है इसका मतलब लैंडलाइन सिस्टम से कनेक्ट नहीं है। और आईपी एड्रेस के लिए प्रॉपर्टी में जाइए, ठीक है, और इसमें जाइए और ये आईपी एड्रेस, अगर ये आईपी एड्रेस हटा रहेगा तो वो ऑफलाइन शो करेगा। सपोज मैंने अभी एक आईपी एड्रेस हटा देता हूँ, ये आईपी एड्रेस हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, अभी हटा देता हूँ, ठीक है, सब मशीन ऑफलाइन आ जाएगा, तो सब ऑफलाइन। तो ऐसा गलती ना करें, कभी कभी ये ऑफलाइन आ जाए तो सबसे पहले आईपी एड्रेस देखिए कि आईपी एड्रेस उसमें किसी ने छिड़काने तो नहीं कर दिया है। आईपी एड्रेस ये याद रखना पड़ेगा आपको, आईपी एड्रेस कभी नहीं छेड़े, मैं ये सजेस्ट करूँगा। प्रॉपर्टी में जाके सेम आईपी एड्रेस फिर वहाँ पे आप डाल दीजिए ताकि वो मशीन फिर ऑनलाइन में आ जाए। तो वो उसका 192.168.1.254 जिसका आईपी एड्रेस है, और सब मास्क ऑटोमेटिक ले लेता है और इस समय कुछ नहीं डाल रहा, इसमें कुछ नहीं कर दीजिए। और तीसरा चीज़ है इसमें हमेशा आपको फायरवॉल जो होता है आपको बंद करके रखना पड़ेगा। ये विंडो फायरवॉल है, हमेशा हमें बंद करके रखना है। अगर विंडो फायरवॉल ऑन करेंगे तो उससे भी ये जो चाइनीज सॉफ्टवेयर है इसको सिस्टम वायरस मान लेता है, इसी के लिए हमें इसको फायरवॉल हमेशा बंद करके रखना है। तो तीसरा, अगर ऑफलाइन आपको मशीन आ जाए तो आपको ये भी चीज़ देखना पड़ेगा कि फायरवॉल गलती से ऑन तो नहीं है, ऑफ को ऑफ करना पड़ेगा। ऐसे ही अभी ऑन कर देंगे उससे भी ऑफलाइन चला जाएगा, ठीक है, ये ऑन कर दिया मैंने, इससे भी ऑफलाइन चला, इसलिए गलतियाँ ना करें, इसको हम हमेशा ऑन ही रखें, ऑफ ही रखेंगे, ठीक है, इसको हमेशा हम ऑफ रखेंगे। तो ये चीज़ आपको जब मशीन ऑफलाइन आ जाए तो वो चीज़ हमें देखना, देखिए अभी ऑनलाइन, इससे पहले ऑफलाइन था, अब मशीन ऑनलाइन आ गया। अब हम इसमें देखते हैं कि बैटरी पैक लगा के किस तरह हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने क्या किया, अभी एक बैटरी पैक लगा रखे हैं 12 वोल्ट 18 एच के बैटरी पैक, सोलर का बैटरी पैक है, इसे हम लगा रखे हैं। इसमें शो करा है, देखिए यहाँ पे 37 नंबर चैनल में हमने लगा रखे हैं, जिसमें शो करा है 12 वोल्ट, बाकियों में शो नहीं कर रहा है, ठीक है, बाकियों में 0-0 है तो ये शो नहीं कर रहा है, इसमें शो करा है तो इसी में बैटरी पैक है। तो उसके लिए हम कहते हैं एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले सोल्यूशन में जाते हैं, कोना में सोल्यूशन है, क्लिक करते हैं, इसमें पासवर्ड मांगता है, इसके पासवर्ड एडमिन होता है, एडमिन सब स्मॉल में डालेंगे, एडमिन, ठीक है, ओके हो गया, इस तरह से एक लूप खुल गया। अब ये इस तरह से आइकन खुल गया तो यहाँ पे चार्जिंग प्रोटेक्शन है, करंट प्रोटेक्शन, कैपेसिटी प्रोटेक्शन, सेट प्रोटेक्शन, ये सब को भी नहीं लगाना है आपको, चार्ज डिस्चार्ज जितने सेकंड के लिए करना है वो आप यहाँ पैरामीटर फिल कीजिए। पहले हम क्या करते हैं, स्लीप, स्लीप का मतलब यहाँ पर रेस्ट, बैटरी को हम 10 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। ये है इंटरवल, ये इंटरवल मतलब कितने सेकंड बाद आपको डाटा चाहिए, 5 सेकंड बाद चाहिए, 10 सेकंड बाद, मिनिमम इसमें 5 सेकंड है। अगर आपको दूसरा मशीन लेंगे, री पावर न्यू एयर का मशीन लेंगे तो उसमें हम इंटरवल मिली सेकंड में भी है, ठीक है, बट इसमें 5 सेकंड से कम नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको हम न्यू प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू में जाएंगे, एक प्रोग्राम बनाते हैं अपना, एक प्रोग्राम को 12 वोल्ट, ठीक है, 18 AH का एक प्रोग्राम बनाते हैं, LFP बैटरी के नाम से मैंने एक प्रोग्राम बना लिया, एक ओके कर दिया, ये यहाँ पे एक बैटरी पैक है, सब कुछ आ गया। अब हमें कितना वो चाहिए, स्टेप चाहिए, वो यहाँ से ऐड कर देते हैं, तीन स्टेप 2, 4, 5, 6, तो 6 स्टेप इसमें ऐड हो गया है, 6 स्टेप की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लीप मोड लेंगे, यहाँ से देखिए चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कॉमन पोर्ट में है, मतलब एक ही पोर्ट से चार्ज करेंगे, एक ही पोर्ट से डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारा BMS जो होता है एक ही पोर्ट से चार्जिंग और एक ही पोर्ट से डिस्चार्जिंग है। कुछ कुछ BMS है डबल पोर्ट वाला, मतलब एक पोर्ट से चार्जिंग कीजिए और दूसरा पोर्ट से डिस्चार्जिंग कीजिए। तो हम क्या करें, पहला में स्लीप डालते हैं, स्लीप दो, ये दो घंटा है, दो घंटा नहीं डालेंगे, हमें डालना है सेकेंड में, क्योंकि शुरू में कोई दिक्कत नहीं आता। तो हम दस सेकंड के लिए डाल दिए, ठीक है, 10 सेकंड के लिए वो डाल दिए, 1 मिनट हो गया, चलिए 1 मिनट डाल दिया मैंने, ठीक है। देन उसके बाद इस पे आते हैं चार्जिंग पे,
क्यूसी बैटरी के स्लिप होने के बाद चार्ज डिचार्ज अगेन चार्ज, ठीक है। तो चार्ज मैंने कर दिया, चार्जिंग किस मोड से करना है, करा कि चार्जिंग वो कांस्टेंट वोल्टेज से कांस्टेंट करंट से, तो या कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट से, तो हमने कहा कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट दोनों से करना है, ताकि हर एक वोल्टेज मांग रहा है, ठीक है। ये हाई वोल्टेज कितना, हाई वोल्टेज कैलकुलेट किस तरह करेंगे हम, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि हाई वोल्टेज हमें दिमाग खराब होता है, तो किस तरह कैलकुलेट, तो कैलकुलेशन में बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चार सीरीज बनता है, ठीक है। तो चार सीरीज में देखा जाता है कि हमारे सेल जो है कौन सी सीरीज, LFP यूज करें, LFP यूज करें या NMC यूज करें। LFP का जो हायर वोल्टेज होता है 3.65 होता है और लोअर वोल्टेज 2.0 से लेकर 2.5 होता है। इस सब का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, तो हमने हायर वोल्टेज यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो हायर वोल्टेज के लिए सीरीज कितना, चार है, 3.65 को हम चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14.6 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14.6 वोल्ट। यहाँ पे हम कितना करें, 14.6 वोल्ट पुट कर देंगे, 14.6 वोल्ट यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि चार्जिंग करंट कितना है, तो चार्जिंग करंट यहाँ पे 18 AH का बैटरी पैक लगा हुआ है, ठीक है। 18 AH का बैटरी पैक लगा हुआ, बट इसके अंदर 5 एम्पीयर का BMS है। तो ऐसा नहीं है कि हम 18 AH का लगा है तो करंट के सेल के अकॉर्डिंग हम बीएम वो कर दें, क्योंकि सोलर का बैटरी पे लोड बहुत कम है, 5 एम्पीयर का BMS लगा दिया। तो हमें हमेशा जो यहाँ पे करंट देना है BMS के अकॉर्डिंग देना है, कभी भी बैटरी पैक के अकॉर्डिंग नहीं देना है। 18 AH का तो 18 एम्पीयर तक डाल सकते हैं हम करंट, ऐसा नहीं करना है। BMS देखना है कि कितने एम्पीयर का लगा हुआ है, BMS 5 एम्पीयर है तो यहाँ पे 5 एम्पीयर मैंने दे दिया, मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैंने 5 एम्पीयर डाल दिया। उसके बाद कट ऑफ करंट, ये कट ऑफ करंट है, तो मैंने कल बताया था जो सेल होता है सेल का 1-2% लेते हैं। तो सेल मान लें 18 AH का है, 18 MAH में हो जाएगा, 18,000 MAH में, तो 18,000 का 2% कितना, 0.22% है। ये जो कितने है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 1000 एम्पीयर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.360 आ गया, इतना एम्पीयर। तो हमने 2% के अकॉर्डिंग मैंने लिया है, तो यहाँ पे हो गया 0.0360। ऐसे मैंने इसे कटअप करंट ले लिया। कैपेसिटी इसको नहीं देना, क्योंकि फुल चार्ज करना है, टाइम भी मत दीजिए, ठीक है। इसको फुल चार्ज करना है, टाइम भी हटा देते हैं, इंटरवल 5 कर दे दीजिए, जितना भी डालना आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसी तरह फिर मैंने क्या क्या रेस्ट डाल दिया, यहाँ पे स्लीप डाल दिया, ठीक है, स्लीप डाल दिया, और वहीं पे मैंने यहाँ पे टाइम रेस्ट जो टाइम है मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पे रेस्ट टाइम मैंने दे दिया 10 मिनट का मैंने रेस्ट टाइम दे दिया, ठीक है। उसके बाद अगेन डिस्चार्जिंग में, चार्जिंग के बाद डिस्चार्जिंग होगा, जैसे डिस्चार्जिंग है तो मैंने 5 एम्पीयर से डिस्चार्जिंग ही किया। उसका डिस्चार्जिंग का लोअर कटअप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए कि हमारा जो सेल का है लोअर कटअप 2.5 है, सीरीज 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका, मान लीजिए क्योंकि हमें सबका BMS की, और कभी भी ये जो डिफाइन होता है BMS के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है सेल का जो BMS होता है, BMS की हो सकता है 2.2 भी हो, ठीक है, 2.3 भी हो, 2.4 भी हो, तो देख लेना, पढ़ लेना, उसके बाद आप पैरामीटर बनाना। क्योंकि तो हमने क्या करते हैं 10 फुट कर देते हैं कट ऑफ करेंट, 10 फुट कर दिया, कैपेसिटी नहीं डालेंगे, फुल कैपेसिटी, टाइम ही नहीं डालेंगे, हमें 0 करना है, उसके बाद इंटरवल 5 के बाद। उसी तरह फिर एक डिस्चार्जिंग का स्लिप का ऑप्शन आ जाता है, इसलिए हम 10 मिनट का डालते हैं। अगेन चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग सेम स्टेज पे करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे चार्जिंग 14.6, इसके बाद करंट 5 एम्पीयर से, कट ऑफ करंट उतना ही डालिए 0.36, ठीक है। कैपेसिटी का बाउंड्री से, क्योंकि हमें 50% चार्ज करना है बैटरी को, यहाँ पे 9000 mAh दे दीजिए, mAh में सिंबल, तो यहाँ mAh दे दीजिए, बाकी टाइम दे दीजिए कि 9000 का मतलब क्या हुआ, 9000 mAh, 9 AH, चलो हम हाफ तक ही चार्ज करना है इसको, वो क्यों फुल क्यों नहीं कर रहे, फुल कर लीजिए। गवर्नमेंट का ऑथोरिटी होता है कि जब आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं तो 50-60% करके भेज बैटरी, 100% बैटरी पैक को आप चार्ज करके नहीं भेज सकते। लास्ट टाइम रास्ता में इन्वायरमेंट डिफरेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। आजकल कोई मोबाइल भी लीजिए, मोबाइल का बैटरी कभी देखें आपने कि 100% चार्ज करके देता हो, नहीं, 50-60% रहता है चार्ज किया, ठीक है, ठीक है। इसीलिए 50-60 लास्ट स्टेज में ऐसे होता है,
उसके बाद आप क्या कहेंगे, सेव कर देंगे इसको, इस नाम से बना हुआ कंफर्म कर देंगे और यहाँ पे ही है, इसके लिए डाउनलोड पे जाएंगे और वही सेव, देखिए यहाँ पे जाएंगे, ये वाला ऑप्शन, ये जो बैटरी पैक बनाया है हमने, इसको और डाउनलोड कर देंगे अगेन हम। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके स्टार्ट टेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे बैटरी का जो बार कोड होगा, सपोज कीजिए S3 1 2 3 कर देंगे, ठीक है, ये बार कोड डाल दिया, इसके बाद इनपुट, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, स्लिप करना है, स्किप करना, मुझे ये प्रोसेस नहीं चाहिए, स्किप पे सर, ये स्किप का ऑप्शन है, यहाँ पे जाइए, नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस, ये नेक्स्ट प्रोसेस ऑटोमेटिक चल गया, चार्जिंग स्टार्ट हो गया। इसी तरह हम डिस्चार्जिंग पे जाते हैं, हम डिस्चार्जिंग पे चेक करना है मुझे, यहाँ पे नेक्स्ट चले जाइए, नेक्स्ट प्रोसेस स्लिप रहता है, नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा स्लिप का, अगेन हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं, स्टार्ट होने दीजिएगा स्लिप, फिर नेक्स्ट प्रोसेस जाते हैं, डिस्चार्जिंग में चेक करते हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस, अब देखिए डिस्चार्जिंग में चला जाएगा, स्लिप पता चलेगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है कि नहीं, ये डिस्चार्जिंग है। अब इसका हम डाटा किस तरह चेक करें, अभी डिस्चार्जिंग 5 MB दे रहा है, 5 MB ले रहा है, ठीक है, हम डिस्चार्जिंग चेक, इसका डाटा चेक करने के लिए व्यू डाटा में जाइए, ठीक है, और यहाँ से आपको एक डाटा मिल जाएगा, इसको आप एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, व्यू हिस्ट्री पर जाइए, इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए जो बैटरी पैक है, इस पर 2 बार क्लिक कीजिए, ऐसे यहाँ पर यह ऑप्शन खुल के आ जाएगा, सब ग्राफ में ग्राफ जैसे खुलेगा, क्लिक यहाँ पे है, जो भी बैटरी पैक है इन फ्यूचर में, जो भी बैटरी पैक आप डाटा सेव, क्लिक करके ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद टेस्ट मोड में जाइए, टेबल में जाइए और एक्सपोर्ट टू एक्सेल में क्लिक कर दीजिए, एक्सपोर्ट टू एक्सेल में क्लिक करेंगे और जहाँ आपको सेव, जैसे कोई डेस्कटॉप में हमें सेव करना है, हमें ABC के नाम से, 18 AH के नाम से मैंने सेव कर दिया और ये वहाँ पर सेव हो गया, ये सेव हो गया, वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, इसका लूप वगैरह क्या मैं पैरामीटर दिया, ये सब कुछ इसमें ग्राफ ग्राफ, ये हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, देखिए ये डेस्कटॉप पे सेव, मिनिमाइज कीजिए, ये 18 AH के नाम से, देखिए ये 18 AH के नाम से एक्सेल पे सेव हो गया, सब कुछ इसमें प्लेन। तो इस तरह से ये इस मशीन को हम यूज करते हैं, ये सेम प्रोसेस 50 एम्पेयर में है, ये सेम प्रोसेस आपका 20 एम्पेयर में है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये मशीन परचेज करने हैं या न्यू प्लांट सेटअप करने हैं, उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।